आपके प्यार को जो भी नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, उसका सर्वनाश हो जाएगा। आप निश्चित तौर पर ये मानकर चलिए आपका प्यार सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा। आपके दिल में जिसके लिए धड़कने हैं वो सिर्फ तुम्हारा होगा। अगर आप चाहते हैं संपूर्ण वशीकरण, अगर आप चाहते हैं आकर्षण का समूचा संगम, तो आज का ये उपाय सबसे श्रेयस्कर होगा। करना सिर्फ इतना है, मुंह में सुबह सुबह पानी भरकर, बहुत कुछ खास नहीं। प्रातः काल कहते हैं, उठते ही किसी को काट लो तो वो इंसान मर सकता है। कौन सी ऐसी शक्ति होती है उस समय तुम्हारे मुंह में, कौन सा विष होता है? अगर वेद कहता है शरीरम व्याधि मंदिरम, तो कौन सी व्याधि, कौन सा जहर, कौन सा विष होता है उस टाइम पर तुम्हारे मुंह में? ऐसा क्या करना है, पूरा का पूरा विश्लेषण आज आपको बता रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है, आपके रिश्तों को सुधारा जाता है, आपके संबंधों को मधुर बनाया जाता है, हर हाल में आपको जिताया जाता है। आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाना, आपके जीवन को बेहतरीन बनाना, आपके जीवन को पूरी तरह से आपका बनाना, मैरिटल लाइफ हो, दाम्पतिक लाइफ हो, शादीशुदा जीवन हो, प्रेम लाइफ हो, रिलेशनशिप लाइफ हो, या आपका पारिवारिक लाइफ हो, परिवार घर, ये बचाने का काम करती है लव विद एस्ट्रोलॉजी। लव विद एस्ट्रोलॉजी में पिछले 200 सालों से अभी तक 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का सार निकाल करके आपको साझा किया जाता है। बात इतनी ही नहीं है, यहाँ पर इन सारी के सारी व्यवस्थाओं को आपके आधार पर रोज रिसर्च किया जाता है। रोज नए केसेस, रोज नई रिसर्च, रोज नया संसाधन, रोज नया आगाज आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। आज मैं कह रहा हूं कि मुंह में सुबह सुबह उठते ही थोड़ा सा पानी रखकर आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है। होता यूं है कि बहुत बार आपका प्यार इसलिए आपसे दूर होता है क्योंकि कोई विष भर रहा होता है उसके कानों में। बहुत बार रिश्ते इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि कुछ ऐसे अनर्गल, कुछ ऐसे उच्छंकल तत्व हैं जो सिर्फ खराब करने के लिए लोग बने हुए हैं। एक दूसरे का कान भरना, एक दूसरे से चुगली करना, एक दूसरे की बुराई करना, ये सब कुछ बहुत स्वाभाविक लक्षण हो गया है। पर उपदेश स्वभाव है ना, पर उपदेश कुशल भूतो रे। दूसरे को उपदेशित करने का यहां हर पान की दुकान पर कुछ ज्ञानी लोग पड़े खड़े मिलते हैं, हर गली कूचे में कुछ लोग मिलते हैं, हर घर में कोने में लोग कान फूंकने वाले खड़े पड़े हैं। लोग कान फूंकने वाले, कान में जहर फूंकने वाले, और सत्य तो मानिए, वास्तविकता तो तब बड़ी हो जाती है जब आपके सामने कोई अच्छा बना है और पीठ पीछे आपका ही सर्वस्व नष्ट कर रहा है। अतिशय संयोगती तब बढ़ती है जब अपना ही कोई प्यारा अपना सब कुछ खत्म कर रहा होता है, और ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है। बहुत खास रिश्ते, बहुत खास रिलेशंस, बहुत खास संबंध आपका सब कुछ खराब कर रहे होते हैं। प्यार में आ रही बाधाओं का सबसे बड़ा कारण पता क्या है? कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शंस, मिसकम्युनिकेशन, ये सबसे बड़ा कारण है। ये समाप्त हो जाए तो प्यार अपने आप ठीक हो जाता है, ये सीख हो जाए तो हर रिश्ता मधुर हो जाता है। हर बार रिश्ते क्यों खराब होते हैं? लोगों को लगता ऐसा ही होगा, किसी ने किसी की तरफ देखा, सामने वाले ने सोचा मुझे देखकर घूर रहे हैं शायद। आवश्यक नहीं, हो सकता है बात कुछ और हो। बहुत बार हम कुछ और सोच रहे होते तो भी हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं। बहुत बार हम अंदर से परेशान होते तो भी हमारी आंखें बड़ी हो जाती हैं। कारण बहुत सारे हैं, पर दूर खड़ा व्यक्ति तो अज्यूम करके अपने रिश्तों को खत्म करने की ओर बढ़ चला है ना। कंफ्यूजन और गलतफहमी
रिश्तों को खराब करने की ये सबसे बड़ी धुनी है, ये सबसे बड़ा आग है। ये संबंधों को और बेहतर बनाए रखने के लिए इन सब चीजों पर बहुत वर्क करने की आवश्यकता है। आपको सकारात्मक होना है, हर एक बात के पीछे आपको बहुत सारा रिसर्च और बहुत सोच कर आगे बढ़ना है। किसी भी बात में जल्दबाजी मत करना, जल्दी का काम शैतान का होता है। भृंगराजम यदर्शाद्यम भीरुशोभम पंखुणम किल्काधायाम्य सम्यक् द्विपक्षाम करिष्यति। कहते हैं दोनों के दोनों पक्षों में बहुत सारी चीजें सम और विषम होती हैं, कभी कुछ अच्छा तो कभी कुछ बुरा। उन दोनों को संभाले रखने वाला इंसान रिश्ता संभाल पाता है। बहुत बार आप देखते हैं किसी किसी के घर में, परिवार में बड़ी एकता है, कभी कभी आप देखते हैं दूसरे के घरों में बहुत सब कुछ सम्यक है। उसके पीछे पता है बड़ा कारण क्या है? उसके पीछे बड़ा कारण बड़े लोग हैं। उसके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति घर में है जो विषपान कर रहा है सबकी तरफ से और सबको एक रखने के लिए प्रयत्नशील है। जैसे ही वो मरता है वैसे ही वो पूरा का पूरा घर बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि कोई एक ही तो था जो उसने बांधे रखा था। वो एक कौन होगा? हर घर में वही एक कमी है, वरना तो कहीं कोई विवाद का स्थान ही नहीं है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति है जहां सुमति नहीं है, जहां झगड़े हैं, फसाद है, विवाद है, प्रेम का अभाव है, वहां दुखों का प्रभाव है, मुसीबतों का अंबार है, सब खराब हो रहा है। जहां प्रेम है, वात्सल्य है, ममता है, स्नेह है, आपस में सौहार्द है, आपस में एक दूसरे के प्रति लगाव है, वहां संपत्ति बढ़ती है। प्रेम की संपत्ति ही नहीं, आर्थिक धन की, वैभव की, संपदा की, हर संपत्तियां बढ़ जाती है, ऐसा शास्त्र कहता है। प्रेम संपत्ति का दूसरा सूचक है। आप धनाढ्य होना चाहते हैं, आप श्रेष्ठ होना चाहते हैं, आप बलवान होना चाहते हैं, घर में बहुत पैसा चाहते हैं, बहुत 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 श्रेष्ठ और बहुत धनिकों में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, व्यापारी बनना चाहते हैं, अच्छी उन्नति करना चाहते हैं, नौकरी में बहुत बड़े पद पे पहुंचना चाहते हैं, तो अपने अंदर प्यार भरने की कोशिश करिए। क्योंकि ये सब कुछ वही कर सकता है जिसको लोगों को बांधना आता होगा। बड़ा समूह बांध कर रखना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। बड़ी चीजों को बनाए रखना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। हर कोई ये नहीं कर सकता। ये कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। जब तक आपके दिल में, हृदय में स्नेह नहीं होगा, तब तुम सफल नहीं हो सकते। सफलता का पहला सोपान प्रेम है, उन्नति का पहला सोपान, पहली सीढ़ी प्रेम है। धनाढ्य होने का, श्रेष्ठ होने का, आप प्रेम नहीं है आपके जीवन में तो धर्म नहीं होगा। धर्म नहीं होगा तो अध्यात्म नहीं होगा, भगवान नहीं होगा, ईश्वर नहीं होगा, पूजा नहीं होगी, पाठ नहीं होगा, आप सफल नहीं होंगे। सब एक दूसरे के पूरक हैं। लोग कहते हैं कि आप विदेशों में लोग इतने धार्मिक हैं तभी, मतलब विदेश के लोग तो इतने धार्मिक नहीं, फिर वो कैसे संपत्तिवान है? गलतफहमी है तुम्हारी। धर्म का मतलब किसी एक धर्म संप्रदाय का मतलब नहीं होता। धर्म का मतलब किसी भी धर्म को मानने वाला, धर्म का अपना एक अलग रूप है, उस रूप को मानने वाला, जिसको सबको बांधे रखने की क्षमता है, जिसमें वो धर्म को मान रहा है, जिसके अंदर बहुत सारा प्रेम है अपने लोगों के प्रति, वो धर्म को मान रहा है। धर्म का मतलब किसी भी चार दीवारी के अंदर, वो गिरजाघर हो, वो मंदिर हो, वो गुरुद्वारा हो, वो चाहे मस्जिद हो, वो कोई भी जगह हो, वहां धर्म नहीं है। धर्म है लोगों के हृदय के अंदर, धर्म है दिल के अंदर, धर्म है प्यार के अंदर, भाईचारे के अंदर, अपनेपन के अंदर, एक दूसरे को समझने के अंदर प्यार है, और वही धर्म है। सीधा आपको उपाय को और लेकर के चलते हैं, उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, शादी का 10 साल हुआ, अभी मैं ऐसा कोई दिन नहीं देखा कि हमारा पति हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। आज हम इतना खुश है कि हमारा पति मेरे साथ इतना गुड वर्क किया है कि बताओ मत। धन्यवाद 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 गुरुजी, इतनी खुश हुई, बात पूछो माँ। बस गुरुजी, इतना तुम्हारा आशीर्वाद हमको मिल रहा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, सब चीजों को ठीक करे। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर श्री सुमति शिव महापुराण कथा का श्रवण करें। दिनांक 22 मई से 1 जून, स्थान ग्राम डोलमार, पोस्ट दोगड़ा, जनपद नैनीताल, उत्तराखंड से सीधा प्रसारण देखिए सद्गुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर शाम 4 से 7 बजे व विशेष प्रसारण देखें संस्कार सत्संग पर कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। अब सीधा आपको उपाय को लेकर के चलते हैं। उपाय में बहुत कुछ खास नहीं, सिंपल एक काम करना है। रात्रि में जिसको भी आप प्रेम करते हो उनका 5 बार नाम लेकर के आवाहयामी बोलकर सो जाइए। सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ बोले, सबसे पहले पानी एक कुल्ला मुंह में रखिए और फिर से मन में वही बात बोलकर आवाहयामी आवाहयामी कहके छत पे, बालकनी में, कहीं पर भी उनका नाम अपने पैर के अंगूठे से लिख दीजिए। बस इतना सा काम करना है, मात्र इतना सा काम आपकी सारी की सारी सिचुएशंस को आपके पक्ष में खड़ा करेगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, किसी भी दिन, किसी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में ये किया जा सकता है। मन से करना, श्रद्धा से करना, विश्वास से करना, खुश रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहने की कोशिश करो, अपने आप को संभालो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और बहुत ख्याल रखो अपना, सकारात्मक रहो, ख्याल रखो अपना, इन सब चीजों पर कंट्रोल करो। बाकी मैं हूं तुम्हारे साथ, 24 घंटे तुम पर नजर है। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर श्री सुमति शिव महापुराण कथा का श्रवण करें। दिनांक 22 मई से 1 जून, स्थान ग्राम डोलमार, पोस्ट दोगड़ा, जनपद नैनीताल, उत्तराखंड से सीधा प्रसारण देखिए सद्गुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर शाम 4 से 7 बजे व विशेष प्रसारण देखें संस्कार सत्संग पर कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सत्मार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।